डेट आज 10 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज 2021 रूल्स। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ रूल बनाए हैं जो डिफेंस सर्विसेज है उसको पावर देने के लिए, जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसको पावर अलॉट करने के लिए। प्राइमरी फोकस इनका ये है, जब इनको ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दे दी जाएगी इन सर्विसेज को, जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो प्रोसीजरल डिले कम होगा। इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, मतलब विकेंद्रीकरण, पावर उनको जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी। तो ये रूल्स क्या हैं, देखो रूल्स ये हैं कि फाइनेंशियल पावर जो डिवॉल्व की गई है फील्ड फॉर्मेशन के लिए की गई है, यानी कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनको क्या है, ये पावर हो जाएगी। अब प्रोक्योरमेंट पावर आ जाएगी इनके पास। ये प्रोक्योरमेंट पावर का मतलब ये है, मान लो छोटे मोटे हथियार खरीदने हैं, तो अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो हमारी, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर इन्हें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मान लो बंदूक चाहिए, राइफल चाहिए, या कोई छोटे इक्विपमेंट चाहिए, या स्टोर में कुछ रखने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को चाहिए, तो ये खुद क्या है, डिसीजन ले सकेंगे। तो 10% जो इंक्रीज किया है डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर, वो वाइस चीफ को दी गया है। जो सर्विसेज में वाइस चीफ होती है ना, पोस्ट होती है वाइस चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उसको दी गई है। इसके थ्रू क्या है, वो भी जो भी मान लो ये सर्विसेज या जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये न्यू ऑफिसर्स खुद खरीद सकेंगे। नेक्स्ट है कि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उस पर फोकस किया गया है न्यू रूल्स के जरिए। मान लो कोई लॉन्ग टर्म लीज पे लेते हैं इक्विपमेंट या परचेज करते हैं, उसके अलावा शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब ज़्यादा लंबी अवधि के लिए, जैसे लीज पे या रेंट पे, जैसे रसिया से हम हथियार वगैरह लेते हैं, तो ये ना लेते हुए शॉर्ट पीरियड के लिए हायर कर सकते हैं इक्विपमेंट, ये ऑफिसर, इनके पास पावर आ जाएगी। तो ये रूल्स इसलिए ही हैं ताकि ये ऑपरेशनल जो भी नेसेसिटीज़ हैं, मान लो कोई ऑपरेशन चलाना, भाई साहब कोई कहीं पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल लिए ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, इससे ये फ़ायदा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रमोट होगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रमोशन आएगा। कैसे, देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को, हमारी कंट्री में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी आएंगी, और इससे क्या है, जब खुद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिना अप्रूवल के डिफेंस मिनिस्ट्री के खरीद सकेंगी, तो इक्विपमेंट वो, मतलब जैसे क्या है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन लेनी पड़ती है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले होता है, और डिले की वजह से जब टाइम ज़्यादा लगता है तो वो इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते, और इससे क्या है, वो कंपनी के जो बना रही है मान लो डिफेंस इक्विपमेंट, वो भी नहीं बना पाती हैं आगे। जब भाई साहब उनके इक्विपमेंट कोई ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा तभी तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। तो इसलिए इनमें क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, और तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो भी प्रमोट होगा। आत्मनिर्भर का मतलब हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। जो PLI स्कीम है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अभी कपड़ा उद्योग है, जो ऐसी कंपनियां जो कपड़ा बनाती हैं या कपड़ा प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, इनके लिए ये स्कीम अभी एक्सटेंड कर दी है। देखो ये 20 मार्च, मतलब मार्च लगभग 2020 में, मार्च 2020 में ये लॉन्च की थी ये स्कीम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड यानी कि जो मोबाइल वगैरह या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स वगैरह, प्रोडक्ट, सामान वगैरह बनाता है और हमारे देश से उसे एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री में बेचता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तभी एक्सपोर्ट कर पाएगा, और जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट उसे कुछ इंसेंटिव देगी, मतलब कुछ फ़ायदा देगी, बेनिफिट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, लो आपको इतने पैसे दिए, ऐसे कुछ इंसेंटिव देगी कुछ परसेंट। तो ये स्कीम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए चलाई गई थी, लेकिन अब बाद में बहुत सारे सेक्टर के लिए एक्सटेंड कर दिया, और अब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी ये एक्सटेंड कर दिए ये स्कीम। 2021-22 के बजट में स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये अलोकेट किए थे 13 सेक्टर के लिए। 13 सेक्टर ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो स्कीम मार्च 2020 में लॉन्च की थी ताकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके एक तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ सके, जो भी लोकल कंपनीज हैं उनको इनक्रेज करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सटेंड करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अभी स्कीम में जो सेक्टर हैं लगभग, वो ऑटोमोबाइल्स भी है, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाई बनाने वाली कंपनी भी है, ऑटोमोबाइल होता है यानी कि जो व्हीकल बनाती है, कार, गाड़ियाँ या बाइक वगैरह, IT हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड्स, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे जो भी कंपनियां बनाती हैं ये इक्विपमेंट सब इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है C295 एयरक्राफ्ट डील। देखो ये डील की है, अभी ये वाला एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है C295, C295 ये एयरक्राफ्ट खरीदा है, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन
सिक्योरिटी है इसको चेयर करते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। इसने अभी अप्रूवल दे दिया कि जो 56C-295 ये एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, हम परचेज करेंगे। कहाँ से परचेज करेंगे ये देखो, ये स्पेन की कंपनी है भाई साहब, ये स्पेन से करेंगे हम इसे। बस इतना याद रखना C-295 क्या है, एयरक्राफ्ट है, और ये एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ये खरीद रही है, हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है और स्पेन कंट्री से खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। देखो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम क्या होती है पहले ये समझ लो, सुप्रीम कोर्ट के CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, इनको मिला के बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है कि कैसे कहाँ से आया कॉलेजियम सिस्टम, तो देखो एक पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके एक लेक्चर बना होगा कॉलेजियम के, कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो लेक्चर आप देख सकते हो, इसमें हम जो अभी न्यूज में क्यों है ये जानेंगे। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी है, मतलब 2 केरल हाई कोर्ट में और कर्नाटक हाई कोर्ट में 10 जज अपॉइंट किए जाएंगे। देखो ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ही रिकमेंडेशन भेजता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फिर इन जज को, जो सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, ये कॉलेजियम ने जो दिए हैं अभी रिकमेंडेशन, क्योंकि देखो 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में, 25 हाई कोर्ट हैं, उनमें से टोटल जो वैकेंसी है ना हाई कोर्ट में जजेज की वो 1098 है, 1098, और उनमें से 41% लगभग वैकेंसी खाली पड़ी हैं, लगभग 465 वैकेंसी खाली पड़ी हैं जजेज की। और इनकी वजह से आपको पता है बहुत सारे हमारे लाखों, हमारे देश में लाखों जो केसेज हैं पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट में। कौन अपॉइंट करता है जजेज को, प्रेजिडेंट करते हैं, आर्टिकल 124 क्लाउज 2, ये हमारे संविधान का ये बोलता है कि प्रेजिडेंट अपॉइंट करेंगे, और ये नाम कॉलेजियम होता है जो नाम रिकमेंड करता है कॉलेजियम प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, अब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भाई साहब देखो आर्टिकल 124 में एलिजिबिलिटी दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कहा गया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जब जज बनेगा तो हमारे भारत का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 65 साल से उसकी ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड 65 ईयर ऑफ एज। और पर्सन क्या है, तीसरा क्राइटेरिया ये है, 2 क्राइटेरिया कौन कौन से हो गए, 65 साल वाला और इंडियन सिटीजन। थर्ड है कि वो पर्सन किसी हाई कोर्ट में या एक हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में 5 साल के लिए कम से कम एटलीस्ट 5 साल के लिए जज रहना चाहिए या उससे ज़्यादा। इसी तीसरी क्राइटेरिया में दूसरी कंडीशन ये है, अगर वो 5 साल के लिए जज नहीं रहा तो वो फिर 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट, या फिर वो डिस्टिंग्विश जुरिस्ट रहा हो। डिस्टिंग्विश जुरिस्ट का मतलब है कोई यूनिक क्वालिटी हो उसमें, अच्छी क्वालिटी हो। कॉलेजियम की रिकमेंडेशन फाइनल होती है क्या, बाइंडिंग होती है कि प्रेसिडेंट पे, देखो ये एक बार तो प्रेसिडेंट क्या है इसे रिजेक्ट कर सकते हैं रिकंसीडर के लिए, कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं एक बार प्रेसिडेंट, अगर कॉलेजियम सिस्टम ने दोबारा नाम भेज दिए तो प्रेसिडेंट फिर बाइंडिंग है, फिर उन्हें अपनी अनुमति देनी पड़ती है। और प्रेसिडेंट आपको पता है किसके एडवाइस पे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, इनकी एड और एडवाइस पे काम करते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है इसकी कि कॉलेजियम सिस्टम की, जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजता है, सिफारिश करता है, इसकी क्या बुराइयां हैं, क्रिटिसिज्म क्या है। देखो एक तो है ओपेकनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता नहीं है, जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं, ये देखो आप, मतलब अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं लेकिन रिकमेंड कौन कर रहा है, जज ही तो कर रहे हैं, जज ही भेज रहे हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नेक्स्ट स्कोप ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद बोलते हैं हिंदी में, ये भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म का मतलब ये हुआ कि कोई भी मान लो अपने रिश्तेदार को कर दे रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई साहब, कोई हाई कोर्ट में जज लगाए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए रिकमेंड कर देगा, उसका कोई जानने वाला है, दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो ये भी हो सकता है। कि नेक्स्ट है कि एनरोलमेंट इन पब्लिक कंट्रोवर्सी, पब्लिक कंट्रोवर्सी रहती है, कोई नाम पब्लिक में नहीं रखे जाते कि दिखाने के लिए कि भाई साहब ये जज अपॉइंट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो टैलेंटेड जूनियर जज हैं या एडवोकेट हैं उनका ओवरलुक होता है, मतलब देखो ये है एक कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को प्रमोट किया जाता है आगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है, वो भी सीनियर मोस्ट जज को, मतलब जो ज़्यादा कार्यकाल ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जज रहा है, जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई साहब बहुत सारे ऐसे जूनियर जज होते हैं जिनको क्या है, जज तो बहुत कम समय के लिए लेकिन बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे टैलेंटेड है, उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है, ऐसा होता है कभी कभी, तो हाई कोर्ट के जज बन के ही रिटायर हो जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन ही नहीं पाते। अब इसमें रिफॉर्म की नीडेड है, मतलब ज़रूरत है, क्या सुधार किए जाने चाहिए, देखो एक तो ट्रांसपेरेंटी और पार्टिसिपेटरी प्रोसीजर लाना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी हो, यानी कि जुडिशियल की ही नहीं चलनी चाहिए, हाँ जुडिशियल की प्राइमेसी होनी चाहिए लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाए, यानी कि डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट देखो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज आपको भी पता है कि बहुत सारे जैसे मान लो ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी है या वुमन है, इनके जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही कम होती है। पहली बार देखो ऐसा हुआ है कि अभी 3 जज और वुमन अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 4 वुमन हो गई हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 वुमन सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। नेक्स्ट है कि देखो जो नंबर सेलेक्ट करते हैं कि आप जैसे मान लो 4 नंबर भेजे हैं आपने 4 अपॉइंट करने के लिए और 4 वैकेंसी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मान लो 4 वैकेंसी है तो आप नंबर ऑफ जजेस के नाम भेजो, मान लो 4 की वैकेंसी आप 8 जज के नाम भेजो, 10 जज के नाम भेजो प्रेसिडेंट के पास, तो वो अब फिर चूज करें कि कौन से जज को अपॉइंट करना है। ये तो सिर्फ 4 भेजते हैं और 4 को ही अपॉइंट करना है, तो ये सिस्टम थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, झारखंड हाउस क्लियर्स बिल फॉर 75% कोटा फॉर लोकल्स। देखो झारखंड ने अभी ऐसा बिल लेके आया है, बिल लेके आया अभी पेश किया अपनी असेंबली में, स्टेट की जो असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। ये क्या है, जो भी झारखंड के लोकल पीपल हैं उनको 75 रिजर्वेशन होगी, 75% की रिजर्वेशन होगी किसमें, प्राइवेट सेक्टर जॉब में, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें 75% लोग जितने भी होंगे उनमें 75% लोग झारखंड के होंगे जिनकी सैलरी 45% से कम है। देखो मंथली सैलरी जिस भी पोस्ट की 40,000 से कम है उनमें मान लो एक कंपनी में 100 आदमी है, 40,000 की कम सैलरी है उनकी और उनमें 75% कौन होंगे, 75 झारखंड के लोग काम करेंगे। इससे पहले देखो ऐसा ही कानून आंध्र प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट पास कर चुकी है। अब ये बिल में क्या प्रोविजन है, देखो ये बिल में क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे प्राइवेट सेक्टर होंगे, मान लो कोई शॉप है, दुकान, कोई भी एसटी एस्टेब्लिशमेंट है, शोरूम है किसी का, या माइंस है, खदानें हैं, या कोई इंटरप्राइज है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी और कंपनी है, या सोसाइटी है, ट्रस्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप में कोई कंपनी खोल लेते हैं, या कोई और फर्म है, या कोई और भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसे 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन काम करते हों उस प्राइवेट सेक्टर में, तो ऐसी सब एंटिटीज में आएंगी जिनमें 75% लोग झारखंड के ही काम करेंगे और बाकी का 25% कहीं से भी हो सकते हैं। और गवर्नमेंट देखो टाइम टू टाइम, ये गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या शॉप दुकान किसी भी इंडस्ट्रीज को इसके अंदर डाल सकती है कि इसमें भी 75% की रिजर्वेशन होगी झारखंड के लोगों के लिए। तो इसमें क्या क्या बिल में हाईलाइट है वो देख लेते हैं। देखो एक तो ये है कि जब भी ये बिल पास हो जाएगा, अभी तो बिल पेश किया है ना, बिल जब विधानसभा में पास हो जाएगा भाई साहब, गवर्नर इसमें अपनी असेंट दे देंगे सहमति, तब ये एक्ट बन जाएगा कानून। और जब भी ये एक्ट बन जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर ये नोटिफाई करना है कि सारे जो एम्प्लॉयर हैं, मतलब एम्प्लॉयर को मतलब कंपनी के मालिक जिनकी कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पे, एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट बनाई जाएगी इंटरनेट पे, उस पे क्या है रजिस्टर करना पड़ेगा कि जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको, जिनकी भी 40,000 से कम सैलरी है मंथली, पर मंथ 40,000 से कम सैलरी है, तो हर एक कंपनी को ये मान लो जो भी एम्प्लॉयर उसमें काम करते हैं कर्मचारी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इंटरनेट पे विद इन द 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर जब ये एक्ट पास हो जाएगा, एक्ट पास होने के 3 महीने के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कोई भी पर्सन क्या है, ये जब तक मतलब रजिस्टर नहीं करेगा, कंप्लीट रजिस्टर नहीं करेगा डेजिग्नेटेड पोर्टल पे, तो वो पर्सन ना उसे एम्प्लॉय इसमें क्या है रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। मतलब किसी भी पर्सन को 75% की झारखंड के लोगों को रिजर्वेशन लेनी है तो पहले पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा तभी वो ले सकेगा, यानी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन के वो ये बेनिफिट नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है मतलब कंपनी का मालिक है उसे क्या है, जो भी मान लो अगर उसे कोई ऐसे कर्मचारी अपॉइंट करने हैं कि उनमें कुछ स्किल दक्षता होनी चाहिए, कुछ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कुछ आना चाहिए भाई साहब उन्हें, ऐसा नहीं है कि सामान ढोने के लिए ही रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, मतलब कुछ क्वालिटी के एम्प्लॉय चाहिए यानी कि कर्मचारी चाहिए वर्कर, लेकिन झारखंड में वो उपलब्ध है नहीं तो उसे अनुमति ही मिलेगी। कि अगर झारखंड में वो उपलब्ध नहीं है तो कहीं बाहर से आप कर सकते हो, तब 75% का कोटा वो ब्रीच कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। जो भी एम्प्लॉयर है कंपनी का मालिक है उसे देखो क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है साल की क्वार्टर का बात हो रही है, क्वार्टर का मतलब 1/4, साल में 12 महीने होते हैं तो 3 महीने में, हर 3 महीने में उसे क्या है, ये जो ऑथराइज ऑफिसर होगा, एक ऑथराइज ऑफिसर का यानी कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी बोल सकते हैं, इसको क्या है जितनी भी वैकेंसी उसकी कंपनी में है इसको ऑथराइज ऑफिसर को यानी कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कंपनी को, पोर्टल पे बतानी पड़ेगी यानी कि साइट पे। और जो भी मान लो अगर कोई मान लो एग्रीव्ड एम्प्लॉयर है, कोई कंपनी है जिसके विरुद्ध ये ऑथराइज्ड ऑफिसर ने यानी कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट, अगर वो खुश नहीं है तो 60 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी का मालिक डायरेक्टर से कंप्लेंट कर सकता है, अपील कर सकता है इस AO यानी कि ऑथराइज ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है डायरेक्टर के पास, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का डायरेक्टर होगा झारखंड गवर्नमेंट का, उसके पास जा सकता है शिकायत लेके।
नेक्स्ट है कि अब इसमें कंसर्न और इशू क्या है, अब क्या परेशानी है। देखो झारखंड के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नुकसान भी है क्या। देखो एक तो ये हमारे जो संविधान है उसको वॉयलेट करता है, आर्टिकल 16 को। और आर्टिकल 16 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 16 ये बोलता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोविजन दी हुई है, तो इसकी प्रोविजन का उल्लंघन करता है, ये वॉयलेशन करता है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो भाई साहब ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रभावित करेगा, इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि लोकल और नॉन लोकल के बीच में एक तरह से सिचुएशन क्रिएट करेगा, यानी कि सन ऑफ द सॉइल का जो है, यानी कि रीजनलिज्म, सन ऑफ द सॉइल का मतलब है कि रीजनलिज्म, रीजनलिज्म है ना, उसको प्रमोट करेगा, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद को प्रमोट करेगा। एक तरफ तो देखो यूरोपियन यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, बहुत सारी यूरोप कंट्री का मिला के ग्रुप बना हुआ है जो आपस में ट्रेड को प्रमोट करते हैं और कहीं पे भी इम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं वो एक दूसरी कंट्री में जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और एक तरफ देखो यहाँ इंडिया एक ही कंट्री है, उसमें भी अलग अलग स्टेट ऐसे रिजर्वेशन करेंगे एक ही कंट्री के लिए, तो भाई साहब ये इंटीग्रेशन के लिए खतरा हो सकता है ना, हमारी जो कंट्री की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रेशन के लिए, अखंडता के लिए। नेक्स्ट है कि ये क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है रीजन में उसको डिस्करेज कर सकता है, मतलब यहाँ पे कौन कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, कौन कंपनी खोलना चाहेगा झारखंड में, जब उसे पता है कि 75% झारखंड के लोगों को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, जॉब देनी पड़ेगी, तो कौन आएगा यहाँ पे, आप ही सोचो, क्योंकि बाहर के टैलेंट वो ले नहीं सकते। नेक्स्ट है कि जो फ्रीडम है बिजनेस करने की उसको भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है कि स्प्रिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के अगेंस्ट है, यानी कि कंपटीशन तो रहेगा नहीं, यहाँ से भी जो कंपनी लगी हुई है वो भी उठ के कहीं और चली जाएंगी तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है असम गवर्नमेंट अनवेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। देखो असम गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई है 2030 तक। ये क्या है, ये टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल असम में ये हो ज़्यादा से ज़्यादा, और फॉसिल फ्यूल यानी कि जो ईंधन से चलते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल से जो व्हीकल चलते हैं, कार गाड़ियाँ, इनको एलिमिनेट किया जाए और इनको फेज आउट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, बिजली से चलने वाले वाहन हों, जैसे इलेक्ट्रिक कार आती हैं, बिजली से चलने वाली कार या बाइक आती हैं, ये हों। तो पॉलिसी के हाईलाइट क्या है, पॉलिसी में ये है अगले 5 साल में कम से कम 2 लाख व्हीकल ये लाने हैं असम में, 2 लाख व्हीकल तो कम से कम हो, और इसमें 2 लाख व्हीकल में अगले नेक्स्ट 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट व्हीकल और पब्लिक बसेज कम से कम ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, मतलब सरकारी जो व्हीकल हैं, सरकारी कर्मचारियों के जो होते हैं कार गाड़ियाँ, और पब्लिक बसेज जो होती हैं गवर्नमेंट की बसेज, वो कम से कम इलेक्ट्रिक बस चलें। इसमें जो भी आदमी मान लो, जो भी मान लो टू व्हीलर खरीदेगा, मतलब बाइक खरीदेगा, स्कूटी खरीदेगा इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली, उसे 20,000 रुपये की सब्सिडी देगी, यानी कि 20,000 रुपये का फ़ायदा देगी स्टेट गवर्नमेंट। और कोई थ्री व्हीलर खरीदेगा तो 50,000 का फ़ायदा, और कोई फोर व्हीलर खरीदेगा उसे 1.5 लाख का फ़ायदा। और इसमें देखो 100% एग्जम्पशन होगी, 100% छूट होगी, किस पे के लिए, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है ना जब कार गाड़ियाँ कुछ भी खरीदते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, 100% एग्जम्पशन होगी, छूट होगी पूरे 100%, ना ही रोड टैक्स देना पड़ेगा उन्हें, और ना ही कोई पार्किंग फ़ी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो भी मान लो ऐसी कंपनी है, या कोई भी मान लो कोई कंपनी, इंडस्ट्री, कुछ भी है जो चार्जिंग स्टेशन बनाएगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए तो चाहिए ना चार्जिंग स्टेशन, और वो चार्जिंग स्टेशन जो भी कंपनी बनाएगी अगले 5 साल के लिए उसे 90% डिस्काउंट दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में, मतलब जितना भी उसका बिल आएगा, मान लो 100 रुपये 1,000 रुपये बिल आता है तो 90% उसे डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 900 रुपये उसे नहीं भरने पड़ेंगे, सिर्फ 100 रुपये का बिल भरना पड़ेगा अगर 1,000 रुपये बिल आएगा उसका, जो भी चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया में। देखो एक प्लान बनाया है 2020 में, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, इसमें जो भी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं लगभग 6 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 60 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट करना 2020 में ये बनाई गई थी पॉलिसी। नेक्स्ट है कि फेम स्कीम, फेम इंडिया, ये क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ये भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने चलाई है। नेक्स्ट है कि जो स्मार्ट सिटीज़ को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है उसमें भी ये है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि सिटी में पॉल्यूशन कम रहे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप लिए हैं। अब कुछ चैलेंजेज हैं इसके सामने, मतलब कुछ चुनौतियाँ हैं, कौन कौन से इसके सामने बाधाएँ आ रही हैं। देखो बाधाएँ सबसे पहला तो ये है कि करंटली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बहुत ही कम है, पेनिट्रेशन पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ही कम है, वन ऑफ द लोएस्ट है, और जो भी इनकी कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बनाने में बहुत ज़्यादा आती है, और इंडियन की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो देखो उसका रुपी है ना, मतलब इंडिया का रुपी वो क्या है, डेप्रिसिएट होता रहता है, मतलब इसकी मूल्य घटता रहता है डॉलर के मुकाबले, और इनकी कॉस्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि भाई साहब बाहर से माल खरीदना पड़ता है, जो बैटरी वगैरह हैं जो इनमें बैटरी यूज होती है वो बाहर से चाइना जापान से खरीदनी पड़ती है, तो कॉस्ट ज़्यादा आती है इसकी वजह से।
नेक्स्ट है कि जो लोकल प्रोडक्शन है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगभग 35% है टोटल इनपुट प्रोडक्शन का। नेक्स्ट है कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, यानी प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है कि जो फेम स्कीम है इंडिया की, इसकी भी देखो टारगेट क्या है, फ्रेमवर्क वो एक्सटेंड करती रहती है रिपीटेडली गवर्नमेंट। पहले 2020 रखा, फिर आगे एक्सटेंड कर दिया, मतलब अभी सर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट है कि जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें भी एक तरह से वो भी रोड ब्लॉक का काम करती है, यानी कि चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन चाहिए। नेक्स्ट जो क्या है, बैटरी बनाने के लिए जो भी बैटरी यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लिथियम और कोबाल्ट वगैरह यूज होता है उसमें, और इंडिया के पास तो रिजर्व है ही नहीं, मतलब ऐसी लिथियम कोबाल्ट के हमारे पास ऐसी खदानें हैं नहीं ये खनिज पदार्थ, तो लिथियम कोबाल्ट हमें ये जापान चाइना से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ये लिथियम आयन बैटरी जो बनी होती है, जो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी ऐसी होती है आजकल फ़ोनों में भी यूज हो रही है, लिथियम आयन बैटरी जो आपका फ़ोन मोबाइल वगैरह यूज करते हो। नेक्स्ट नीड ऑफ द आवर क्या है, अब क्या करने की ज़रूरत है, जो चैलेंजेज हैं इनको कैसे हटाया जाए। देखो एक तो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरा जितना भी इंटायर इकोसिस्टम है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए बैटरीज पे, मतलब जो भी कंपनी बैटरी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस करे उसे लगभग 50% सब्सिडी दी जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कॉस्ट आती है ना लगभग सबसे ज़्यादा तो बैटरी पे ही आती है। नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह टू व्हीलर बनाए उनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज करो, ज़्यादा प्रॉफिट दो, क्योंकि हमारे इंडिया में टू व्हीलर लगभग 75% टू व्हीलर, मतलब जितने भी व्हीकल गाड़ियाँ यूज होती हैं ना, कार गाड़ियाँ ट्रक को सबको मिला के, उनमें से 76% तो टू व्हीलर हैं, मतलब कार और स्कूटी वगैरह यूज होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनी को सब्सिडी दो जो ये टू व्हीलर बनाती हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करो। नेक्स्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए चार्जिंग स्टेशन के लिए, इसको अट्रैक्ट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाएं, जैसे टेक्निकल पार्क वगैरह, पब्लिक बस डिपो, मल्टीप्लेक्सेस, इन सब में जैसे मॉल वगैरह होते हैं ना मॉल, उनमें भी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। जैसे बेंगलुरु में क्या है, पार्किंग लॉट्स में भी चार्जिंग पॉइंट हैं, बेंगलुरु में जो पार्किंग होती है ना जहाँ पे जैसे व्हीकल को पार्क करते हैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, जैसे पार्किंग लगा दिया वहीं पे चार्जिंग स्टेशन है, चार्ज करता रहा, पार्किंग में रहा चार्ज भी हो गया, तो ऐसी फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए। और जो कंपनी है कॉरपोरेट्स हैं वो क्या है, चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अपना जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या है चार्जिंग स्टेशन बनाने में इन्वेस्ट कर सकती हैं। देखो CSR एक ऐसा मैकेनिज्म है कि 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके जरिए क्या है, जो कंपनी है जिसका लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा रहता है भाई साहब टर्नओवर, उसको क्या है अपने पिछले 3 साल के एवरेज का 2% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट का मतलब पिछले 3 साल में जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज लिया जाए, उसका 2% लोगों की भलाई के लिए खर्च करना पड़ता है। मान लो कोई इरिगेशन फैसिलिटी बनाने या रूरल एरियाज में ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनवा दें, ऐसा करना पड़ता है ऐसी कंपनियों को, तो ये मैंडेटरी है भाई साहब CSR में खर्च करना। तो अपना ये CSR का जो पैसा है ना कंपनी चार्जिंग स्टेशन बनाने में ये खर्च कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि जो भी मान लो बोलीविया जैसे कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है या चिली, बोलीविया ऑस्ट्रेलिया चिली कहाँ पे भाई साहब, देखो भाई साहब ये है चिली, आपको दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका में चिली, और ये साउथ अमेरिका में ये है बोलीविया, और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है ये वाला ऑस्ट्रेलिया, तो ये कंट्री में क्या है लिथियम के रिजर्व हैं बहुत ज़्यादा, खदानें हैं लिथियम की, तो यहाँ पे क्या है कंपनी बनाए जाके और लिथियम रिजर्व इनके वहीं से खरीदे और वहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे रॉ मटेरियल को खरीद के और बैटरी बनाए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये यूज हो सके, समझ रहे हो, ये कुछ हो सकता है भाई साहब नीड ऑफ द आवर में, यानी कि सॉल्यूशन। तो यही थे आज का टॉपिक।